This again very easy question. Can I find the maximum profit that a company can make if the profit function is given by this? ये एक profit function हमको दिया है और obviously profit company को maximum तब होगा जब ये जो function profit function दिया है P of X, जब P of X maximum हो जाए. तो आइए हम देखते हैं कि P of X maximum कौन से point पे होगा, यानी कि X की, क्योंकि P of X किस पे depend कर रहा है, X पे. तो X की ऐसी कौन सी value है जिस value पे ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाता है. तो आपको एक्स की वो वैल्यू नहीं बतानी, ना 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 ना, आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, क्योंकि प्रॉफिट को आपको मैक्सिमम करना है, यानी कि इस फंक्शन को आपको मैक्सिमम करना है. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर देखते हैं एफडीटी करना है कि एसडीटी करना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की सेकंड डेरिवेटिव. तो पी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 41 का कितना हो गया 0, और 72x का क्या हो जाएगा 72, और यहां माइनस रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x होगा, 2 आके आगे मल्टीप्लाई करेगा 18, 2 जा 36x, तो ये आ गया आपका, यानी कि आया आपका क्या p डैश ऑफ x जो आया आपका वो 0 माइनस 72 माइनस 72 और माइनस 36 ये आ गया. ठीक है, अब एक काम करते हैं क्या कि इसको उठा के हम किसके इक्वल रखते हैं, इसको उठा के हम 0 के इक्वल रखते हैं. तो माइनस 72 माइनस 36x is equal to 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, माइनस 36 उधर भेजो या माइनस 72 जो भेजना भेज लो, तो माइनस 36x is equal to 72 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडिंग में माइनस 36 बोथ साइड, तो माइनस 36 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, माइनस 36 से राइट में. ठीक है, माइनस से माइनस गया, 36 से 36 माइनस माइनस तो रहेगा ना, यहाँ पे इस नीचे वाले माइनस को आप ऊपर भी लगा सकते हो, 36 इंटू 2 क्या होता है 72, तो माइनस 2 आ गया, यानी कि x is equal to माइनस 2 आया है, यही क्या है आपका क्रिटिकल पॉइंट है. अब देखो मैं नया SDT लगा देता हूँ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, पता है क्यों, क्योंकि बहुत इजी करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. चेक करो कि P डबल डैश x अगर हम निकालें, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, माइनस 72 कॉन्स्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, 36x का क्या हो जाएगा 36, बस खत्म कहानी. अब आप क्लियरली देखो कि ये जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव है P डबल डैश x इज ऑलवेज वॉट लेस देन 0, ये हमेशा नेगेटिव है क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो x आ ही नहीं रहा है, बात समझ में. तो p डबल डैश x हमेशा नेगेटिव है, और हमने आपको बताया था कि जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका नेगेटिव होता है तो जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है वो पॉइंट ऑफ क्या होता है, मैक्सिमा होता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 2 इज वॉट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. अब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे निकाल लीजिए, यानी कि p ऑफ माइनस 2 क्या हो जाएगा, फंक्शन में रखिए तो 41 और माइनस 72 इंटू माइनस 2, एक्स की वैल्यू माइनस 2 रखनी है, ठीक है, माइनस 18 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4, करेक्ट. तो ये हो जाएगा आपके पास 41 और माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 माइनस ये कितना हो जाएगा 72, ओके. तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 41 और 4 8 32, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 144 माइनस 72 कितना हो जाएगा 72, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 3 और 1, ठीक है. तो हमने आंसर क्या लिखना है एग्जाम में, हमको लिखना है हेंस द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट द कंपनी कैन मेक इज, कितना है मैक्सिमम प्रॉफिट 113. अब देखो 113 क्या, तो आगे हमने यूनिट्स लिख दिया, पता है क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता कि कंपनी को प्रॉफिट रुपीज़ में होता है कि भाई सपोज किसी नंबर ऑफ आइटम्स में उसको प्रॉफिट होता है, मतलब हमें नहीं पता कि उसका प्रॉफिट कैसा है. ठीक है, सपोज उसको गोल्ड मिलता हो, यूनिट क्या हो, गोल्ड हो, रुपीज ना हो, तो समझो आप सपोज जो उसकी ये प्रॉफिट की यूनिट वो डॉलर्स हो, तो यूनिट की 113 डॉलर आ जाएगा, जो भी है हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, यूनिट्स लिख दिया, ओके.